So students, we have discussed about the emphysema, a lung disorder. Now we are going to discuss about the lung cancer, or we can also call it as lung carcinoma. So with our lung carcinoma, it is a malignant lung tumor. Now why it is called malignant? आपको पता है कि tumor हमारे पास two types के होते हैं. One is benign and the other is malignant. If the tumor is benign, so it means it is non-cancerous. लेकिन अगर वो malignant है, तो it means कि वो cancerous है. और tumor किसको कहा जाता है कि when a normal apoptosis cannot be done in the body, ठीक है? So outgrowth of the cells occurs. So this outgrowth of the cells result in a mass of the cell that is called tumor. So with our what tumor जो कि मैलिग्नेंट हो जाएगा यानी कैंसरस हो जाएगा दैट इज कॉल्ड लंग कार्सिनोमा एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ ठीक है क्योंकि ट्यूमर है सो इट इज अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ इन द टिश्यूज ऑफ द लंग्स ठीक है और अब तो अगर हम देखें तो लंग कैंसर के चांसेस या आप ये कह सकते हो कि उसकी अक्रेंस बहुत ज्यादा है बिकॉज एवरी 14% ऑफ द न्यू कैंसर पेशेंट्स आर विद लंग कैंसर आपको पता है कैंसर की बहुत सी टाइप्स होती हैं लेकिन उसमें हम लंग कैंसर को लंग कार्सिनोमा को डिस्कस कर रहे हैं सो अबाउट 14% जो हमारे पास न्यू केसेस लंग कैंसर के आते हैं उनमें 14% जो है वो लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं Then etiology मतलब उसके causes या risk factors जो कि इसकी occurrence को increase कर सकते हैं and we should avoid these factors जितना कितना हो सके इनसे अपने आप को बचाना चाहिए so smoking a very leading cause of the lung cancer but आप भी कह सकते हो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब जितने भी disorders हुए उन सबका जो main cause था वो smoking था और smoking क्यों main cause है क्योंकि smoking में हमारे पास जो है वो एक बहुत carcinogenic material होता है जिसको tar बहुत ज्यादा है ठीक है so tar जो है वो tobacco में होता है और जाहिर सी बात है tar इतना carcinogenic है तो वो हमारे पास जाके लंग्स के अंदर रिएक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स के साथ डीएनए को म्यूटेट कर देता है और ऐसा रिजल्ट जो है वो कोई भी डिसऑर्डर कॉज कर सकता है और इसी तरह से ये डिसऑर्डर जो है वो लंग कैंसर भी हो सकता है सो इट्स कोई भी कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस मतलब होता है वो एजेंट जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं जैसे मर्करी है कैडमियम है यानी रेडियो एक्टिव मटीरियल है इवन अगर आप किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास आप न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे हैं तो भी आपको प्रोटेक्शन या फुल सेफ्टी मेजरमेंट्स करने हैं देन मस्टर्ड एंड सिलिका एंड द कोल अगर इन सब की तरफ आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है तो ये कैंसर कॉज हो सकता है एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस नहीं होना चाहिए देन डीएनए चेंजेस और द म्यूटेशन कोई भी डीएनए के क्रोमोसोमल लेवल पे एब्रेशन जो है वो उसको कॉज कर सकती है और इवन कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे लाइसोसोम होते हैं लाइसोसोम के अंदर भी आपको पता है कि रिऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम्स होती हैं वो डीएनए के अंदर मतलब सेल के अंदर रिलीज होती हैं तो वो सेल के किसी पार्ट को डाइजेस्ट करने में हो सकता है कि उसके डीएनए को किसी फ्रेगमेंट से ब्रेक कर दे और अगर वो फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाए तो डीएनए के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाती है जिसकी वजह से डीएनए म्यूटेट हो जाता है ये एक रीजन है और भी बहुत सारे म्यूटेशंस हैं जो कि हम म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं और वो म्यूटेशन कैंसर को लीड कर सकते हैं एंड देन एज भी एक रीजन हो सकता है बट यूजुअली ये जरूरी नहीं है कि एज ही रीजन हो ये जो अबव मेंशन आपके पास कॉजेस हैं ये ज्यादा डेंजरस हैं ज्यादा लीडिंग कॉज हैं इनसे ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे लंग कैंसर कॉज हो सके देन पैथोलॉजी बेटा पैथोलॉजी मतलब कि वो कैसे होता है सो अगर हमारा कोई भी इंटरेक्शन है किसी भी इनहेल्ड कार्सिनोजेंस के साथ ठीक है सो उसमें होता क्या है कि जब कोई भी कार्सिनोजेंस जो है वो जब बॉडी के अंदर इनहेल्ड होता है तो एपिथेलियम ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी एयर ट्रैक्ट जो होता है वो फॉर्मेशन करता है डीएनए एडक्ट्स का क्योंकि एपिथेलियम के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट है ठीक है जैसे मैंने भी आपको कहा कि टार जो है वो जाके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तो जब टार यानी म्यूटेजन है वो जब जाके डीएनए के साथ अटैच होगा तो ये कैंसर कॉजिंग केमिकल है जो इसमें ये डीएनए के और उस टार के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी जिसको आप डीएनए एडक्ट कहेंगे ठीक है लेकिन अगर ये डीएनए एडक्ट रिमूव ना किया जाए मिसपेयर्ड रह जाए तो उनके रिजल्ट में डीएनए के अंदर म्यूटेशन पास हो जाती है और वो म्यूटेशन जीनोमिक ऑल्टरेशन पास करती है अगर ये जीनोमिक ऑल्टरेशन जो है वो स्पेशली आपके पास जो ऑन्को जीन्स होते हैं डीएनए के अंदर उनके अंदर हो जाए या ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि ट्यूमर को उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं लेकिन अब उसके अंदर ये म्यूटेशन हो चुकी है तो वो ट्यूमर को सप्रेस नहीं करेंगे अब वो उसको फास्टली ग्रो करने में हेल्प करेंगे सो इफ द म्यूटेशन अकर्स इन द क्रिटिकल ऑन्को जीन्स नॉट ट्यूमर सप्रेसर जीन देन दे मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर्स एंड ट्यूमर्स मे लीड टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स व्हिच कैन कॉज द लंग कैंसर सो देन लोकेशन ऑफ द लंग कैंसर लोकेशन में भी क्या देखें आपके पास ये साइट फ्री हो सकता है यानी किसी भी एरिया में हो सकता है तो ये अगर कि ये किसी साइट के ऊपर हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल लंग कैंसर और इट कैन अकर इन द सेंटर ऑफ द लंग्स और अगर सेंटर ऑफ द लंग्स में है इसको सेंट्रल लंग कैंसर भी बोलेंगे ठीक है
Then sign and symptoms observed that it does not go away and get worse by time. Constant chest pain, coughing of blood. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो lungs हैं उसके अंदर जो हमारे पास normal alveolus हैं वो अपना function loss करते जाएंगे क्योंकि उसकी जगह जो है वो हमारे पास uncontrollable cell growth हो रही है. ठीक है. So shortness of breath लाजमी बात क्या होगी. Repeated problems with pneumonia or bronchitis. Bronchial की inflammation, pneumonia आपको पता है alveolus है, इसकी inflammation होती है. So they can occur. स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस ये भी हो सकता है क्योंकि प्रॉपरली जब ब्लड ऑक्सीजनेट होकर नहीं मिलेगा तो उसके रिजल्ट में ये कॉज हो सकता है. लॉस ऑफ एपिटाइट अक्सर कैंसर के पेशेंट के साथ ये मसला होता है. देन वेट लॉस, जो एपिटाइट नहीं है तो वेट लॉस होगा और फटीग भी होगी. ठीक है. देन बेटा हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं और आपको पता है कि ट्यूमर जो होते हैं वो पहले प्राइमरी ट्यूमर होते हैं और उसके बाद वो मैलिग्नेंट में डिवाइड होते हैं. ठीक है. सो प्राइमरी ट्यूमर को 3 स्टेज पे डायग्नोज किया जाता है. सो पहले हमारे पास है टी नॉट स्टेज, जैसे आप पढ़ते हो कि कैंसर 4 स्टेजेस में होता है. ठीक है. सो अगर टी नॉट है तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, यानी लंग्स जो है वो नॉर्मल है. ठीक है. देन टी वन है. एंड टी वन में क्या होगा, द ट्यूमर इज नो लार्जर देन 3 सेंटीमीटर, नॉट रीच टू द प्लूरा, यानी लंग्स की प्लूरा तक नहीं आया, उसी के अंदर है लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम है. ठीक है. देन टी टू स्टेज आती है, इन विच द ट्यूमर हैज वन और मोर लार्जर देन 3 सेंटीमीटर, यानी पहले एक ट्यूमर था, अब एक से ज्यादा हो सकते हैं और वो 3 सेंटीमीटर को क्रॉस कर सकते हैं अप टू 7 सेंटीमीटर तक, और ये ब्रोकस हो सकता है. ठीक है. देन टी थ्री में हमारे पास वो चेस्ट वॉल तक क्रॉस हो जाएंगे और वहां पे इसमें क्या होगा कि ये भी ज्यादा हो सकते हैं और अब इनकी जो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी. और टी फोर में भी अगेन वो कैंसर हो जाते हैं और वन से मोर होंगे. द ट्यूमर ऑफ एनी साइज हैज ग्रोन इन टू अ स्पेस बिटवीन द लंग्स, किसी भी साइज का ट्यूमर जो है वो लंग्स के दरमियान जो भी स्पेस है आपके पास वहां पे ग्रोथ कर सकता है. देन हमारे पास मैलिग्नेंट कैटेगरीज हैं फॉर द लंग कैंसर. सो एम नॉट में क्या होता है, नो सरप्राइज टू द डिफरेंट ऑर्गन अदर एरियाज, यानी प्राइमरी ट्यूमर प्रेजेंट है. ठीक है. लेकिन वो मैलिग्नेंट नहीं हुआ. दिस इंक्लूड द अदर लंग्स नेम्स नोज एक्सेट्रा अवे देन दोज मेंशन्ड इन द हमारे पास जो होते हैं ना एंसर में एंड स्टेज वो होती है जो कि लिम्फ नोड स्टेज होती है. ठीक है. सो आपको बताया कि प्राइमरी ट्यूमर जो है वो पहले लिम्फ नोड में जाता था. सो लिम्फ नोड में जाके अगर जो है वो ग्रो कर रहा है तो उसकी बीसी जहाँ से 1-2-3 स्टेजेस होती है. ठीक है. लेकिन उसके बाद जब वो किसी भी ऑर्गन की तरफ मूव करता है तो आप उसको मैलिग्नेंट स्टेज में कंसिडर करते हैं. सो मैलिग्नेंट स्टेज में जब वो आएगा तो उसमें M1 स्टेज है, देन M1A है, द कैंसर हैज स्प्रेड टू द अदर लंग, कैंसर सेल्स आर फाउंड इन द फ्लूइड अराउंड द लंग, M1B the cancer has spread to the distant lymph nodes of the other organs that is all orbital to the lung. Okay. Then which are we have types. So there are different types of the lung cancers, but the two major types of the lung cancers are here. So small cell lung cancer, you can see here that this is the growth of the small cell lung cancer. और ये ऐसे लगता है जैसे ओट का सेल होता है तो ओट, इसको हम ओट सेल कैंसर भी कह सकते हैं. ब्रोंकाइटिस से स्टार्ट होता है और देन जो है वो नियर बाय पार्ट्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है. देन हमारे पास नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है. एक्चुअली नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर का देखिए इनके साइज से वेरिएबल होता है और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर है. कहीं पर भी डिवेलप हो सकता है लेकिन स्लोली डिवेलप होगा और फ्यू नो सिम्टम्स शो करेगा जब तक उसकी कोई एडवांस स्टेज नहीं आ जाती, जैसे हमने भी डिस्कस किया है. ठीक है. Then which are diagnosis, it can be diagnosed by computed tomography or the CT scan, biopsy. आपको पता है biopsy में fluid लिया जाता है और उसको डायग्नोज किया जाता है कि इसके अंदर कौन सा इंफ्लेमेटरी पार्टिकल है या कैंसर है या नहीं है. Then chest x-rays, जाहिर सी बात है ये भी बता देते हैं. ब्लड टेस्ट में स्पेशली कुछ इंसाइम्स होते हैं उनका टेस्ट किया जाता है कि वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं. देन ब्रोंकोस्कोपी, सो इट हेयर इज द प्रोसीजर ऑफ द ब्रोंकोस्कोपी, उसमें कैमरा लगा के उसके अंदर देखा जाता है कि लंग के अंदर कौन सा डिसऑर्डर प्रेजेंट है. Then treatments, so there are the different treatment, the first is chemotherapy, then radiation therapy and surgery. So these are the different types of the surgery. आप देखें सबसे पहले हमारे पास वेज रिसेक्शन है जिसमें इसको ये स्पेसिफिक पार्ट जो होता है उसका कहीं से भी आप उसको वेज के फॉर्म में डिटेक्ट कर सकते हैं. देन सेगमेंटोक्मी है. सेगमेंटोक्मी में हमारे पास कोई भी एक सेगमेंट जो होता है लंग्स का जो कि डैमेज है जहाँ पे कैंसर प्रेजेंट है उसको कट कर दिया जाता है. लेबोक्टोमी है, इसमें क्या होता है कि कोई भी लोब जो कि डैमेज है उसको कट करेंगे. न्यूमोक्टोमी है तो जो इसके अंदर पूरा लंग जो है उसको कट कर देंगे. ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है इनको यूज किया जाता है सर्जरी के लिए और इनको काट दिया जाता है. सो दैट वाज अबाउट द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन. हमारे पास अगेन यही है कि हम जो है वो एक्सपोजर टू जो केमिकल्स हैं उनसे बचा जा सके जितना.